हेलो एवरीवन, आप इस वीडियो में करेंगे इंटरफेस पाइथन विद माई एसक्यूएल। मीन्स आप पाइथन की इंटरफेस पर माई एसक्यूएल की क्वेरीज को कैसे एग्जीक्यूट करा सकते हो। ओके, तो इसके लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है, आपको पाइथन को माई एसक्यूएल के साथ क्या करना है, कनेक्ट करना है, राइट। उसके लिए हमें एक पैकेज इंस्टॉल करना होता है, माई एसक्यूएल कनेक्टर पाइथन, राइट। अब देखो यहाँ पे मैं एनाकोंडा यूज़ कर रही हूँ, एनाकोंडा का जुपिटर नोटबुक मैं यूज़ करूँगी। तो पहले मैं क्या करूँगी, अपने MySQL कनेक्टर को इंस्टॉल करूँगी, राइट। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एनाकोंडा मैंने ओपन किया है, आप एनवायरमेंट्स में जाएंगे, राइट। यहाँ पे बेस रूट में आप क्लिक करेंगे, ओके, एंड टर्मिनल को ओपन करेंगे, फाइन। ये आपका टर्मिनल ओपन हो गया है। यहाँ पे आप कमांड लिखेंगे pip install MySQL connector python, ओके, और उसके बाद आप इस एंटर को प्रेस कर दोगे, फाइन। अब यहाँ पे देखो ये मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, राइट। यहाँ पे मैंने ये आपको शो किया है दिखाने के लिए कि आपको किस कमांड के थ्रू इसको इंस्टॉल करना है। देखो यहाँ पे मेरा आ चुका है ऑलरेडी, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, फाइन। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, टर्मिनल में जाके आप अपना पहले MySQL पाइथन कनेक्टर पैकेज को इंस्टॉल करोगे, फाइन। तो ये मैंने आपको शो कर दिया। अब हम क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम को बनाते हैं, ओके। तो यहाँ पे ओके, ये मेरा जुपिटर नोटबुक ओपन हो गया है। तो इसको जो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, इम्पोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर, राइट। MySQL कनेक्टर अभी हमने क्या किया, इंस्टॉल कर लिया है। अब इसको हम अपने प्रोग्राम में इम्पोर्ट कराएंगे, राइट। MySQL डॉट कनेक्टर पैकेज को अपने पाइथन की स्क्रिप्ट में इंपोर्ट कराएंगे। तो यहाँ पे मैं इसका एलियास नेम दे देती हूँ एसक्यूएल टर, ठीक है। तो मुझे पूरा का पूरा लिखना नहीं पड़ेगा, इम्पोर्ट ये MySQL डॉट कनेक्टर नहीं लिखना पड़ेगा, इसके प्लेस पे मैं सिंपल एसक्यूएल टर लिख सकती हूँ। आप कोई भी एलियास नेम दे सकती हो, फाइन, ओके। अब देखो हमने क्या किया, इम्पोर्ट कर लिया है MySQL कनेक्टर पैकेज को। अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, नाउ वी नीड टू स्टेब्लिश कनेक्शन टू द MySQL डेटाबेस। हमें क्या करना है, MySQL डेटाबेस के साथ कनेक्शन स्टेब्लिश करना है। और इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यूज़ करेंगे कनेक्ट फंक्शन का, ठीक है। वी विल यूज़ कनेक्ट फंक्शन ऑफ MySQL डॉट कनेक्टर पैकेज, ओके। तो अब यहाँ पर हम यूज़ करते हैं, हम यहाँ पे मैंने लिया MyCon, राइट। नाउ व्हाट इज़ MyCon, दैट आई विल टेल यू कि MyCon क्या है। अब मैं यहाँ पे मैं पूरा नहीं लिखूँगी, MySQL डॉट कनेक्टर लिखने की बजाय मैं लिख देती हूँ SQL डॉट, ठीक है, क्योंकि ये मैंने क्या लिया, उसका निक नेम लिया है, राइट, उसका एलियास नेम लिया है, ठीक है। तो SQL डॉट कनेक्ट, कनेक्ट किसका फंक्शन है, कनेक्ट है MySQL डॉट कनेक्टर पैकेज का, फाइन, ओके। कनेक्ट फंक्शन में हम क्या करेंगे, कनेक्ट फंक्शन में आपको फोर पैरामीटर्स पास करने हैं, ठीक है। फोर पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले है आपका होस्ट, फाइन। तो यहाँ पे मैं कौन सा होस्ट यूज़ कर रही हूँ, लोकल होस्ट, ओके। नेक्स्ट पैरामीटर क्या है आपका, यूज़र, फाइन। तो हम यहाँ पे जो हमारा MySQL का यूज़र है वो क्या होता है, जब हम इसको इंस्टॉल करते हैं हम उसका यूज़र एज अ रूट लेते हैं, फाइन। तो यूज़र हमने ले लिया रूट। नेक्स्ट पैरामीटर है आपका पासवर्ड, तो मेरे MySQL का पासवर्ड है 1 2 3 4 5, राइट। अब मैं कौन से डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करना चाहती हूँ, मैं कनेक्टिविटी करना चाहती हूँ स्कूल डेटाबेस के साथ, जो मैंने ऑलरेडी वहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, राइट। तो स्कूल डेटाबेस के साथ मेरी कनेक्टिविटी हो जाएगी, ओके, फाइन। तो देखो आपने क्या किया है, MySQL डॉट कनेक्टर के कनेक्ट फंक्शन का यूज़ किया है, और कनेक्ट फंक्शन में आपने फोर पैरामीटर्स पास किए हैं, फाइन, ओके। अब देखो
अब ये जो हमने कमांड लिखी है इसका क्या यूज है? दिस कमांड विल स्टेब्लिश कनेक्शन विद MySQL डेटाबेस. ओके, ये कमांड क्या करेगी? एक कनेक्शन क्रिएट करेगी किसके साथ? MySQL डेटाबेस के साथ. और उस डेटाबेस का नाम क्या है? स्कूल. फाइन, ओके. उसका यूजर कौन है? रूट. और जो पासवर्ड क्या है? 1 2 3 4 5. राइट, तो माई SQL डेटाबेस के साथ कनेक्शन क्रिएट होगा. ओके, और वो कनेक्शन कहाँ पे जाके स्टोर होगा? वो MyCon ऑब्जेक्ट के अंदर जाके स्टोर होगा. समझ आया? कनेक्ट फंक्शन की हेल्प से हमने कनेक्शन क्रिएट किया है. वो कनेक्शन कहाँ पे जाके हमारा स्टोर होगा? MyCon ऑब्जेक्ट के अंदर जाके स्टोर होगा. राइट, अब देखो यहाँ पे MyCon बहुत इम्पॉर्टेंट है. फाइन, मैं अभी बताती हूँ कैसे इम्पॉर्टेंट है. अब देखो इसका क्या यूज़ है. इसको हम जो MyCon ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है उसको हम बोलते हैं कनेक्शन ऑब्जेक्ट. ओके, एंड कनेक्शन ऑब्जेक्ट कंट्रोल्स द कनेक्शन टू द डेटाबेस. ये क्या करेगा? अब डेटाबेस के साथ एक हमने कनेक्शन क्रिएट कर दिया है. वो कनेक्शन कहाँ पे जाके स्टोर हो गया है? MyCon ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो गया है. MyCon ऑब्जेक्ट इसको कंट्रोल करके रखेगा. ठीक है, और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक सेशन रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, एक यूनिक सेशन रिप्रेजेंट करेगा विद द डेटाबेस. ओके, नाउ अब देखो आपने इतना कर लिया. अगर आप देखना चाहते हो कि आपका कनेक्शन सच में क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं. इफ MyCon डॉट इस अंडरस्कोर कनेक्टेड. ठीक है, तो हम यहाँ पे इस अंडरस्कोर कनेक्टेड फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं और हम उसको कंपेयर कर रहे हैं ट्रू से. और अगर ट्रू है तो क्या होता है? अगर इस कनेक्टेड फंक्शन आपका ट्रू है तो कनेक्शन स्टेब्लिश हो चुका है. फाइन, तो यहाँ पे हम प्रिंट करा देते हैं. प्रिंट सक्सेसफुली कनेक्टेड टू MySQL डेटा बेस. राइट, मैंने प्रिंट करा दिया. फाइन, अब देखो हम इसका सिर्फ इतना ही पार्ट एग्जीक्यूट करते हैं. अभी हमने क्या किया है? MySQL डॉट कनेक्टर पैकेज को इम्पोर्ट किया है. MySQL डॉट कनेक्टर पैकेज के कनेक्ट फंक्शन को यूज़ करके हमने क्या किया है? कनेक्शन क्रिएट किया है. कनेक्शन जो हमारा क्रिएट हुआ है वो कहाँ पे जाके स्टोर हुआ है? MyCon कनेक्शन ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हुआ है. राइट, अब हम MyCon ऑब्जेक्ट की हेल्प से, ठीक है, क्या पता लगा रहे हैं कि हमारा जो कनेक्शन क्रिएट हुआ है वो सक्सेसफुली क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है. इसको हम करेंगे रन. देखो, सक्सेसफुली कनेक्टेड टू MySQL डेटाबेस, तो इसका मतलब हमारा जो कनेक्शन है वो क्रिएट हो चुका है. फाइन, अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में हम क्रिएट करेंगे कर्सर ऑब्जेक्ट. ओके, ये जो MyCon है वो क्या है? आपका कनेक्शन ऑब्जेक्ट है. अब हम क्रिएट करेंगे कर्सर ऑब्जेक्ट. और कर्सर ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे? बाय यूजिंग द कर्सर फंक्शन. राइट, तो पहले हम इसको क्रिएट करते हैं, देन आई विल टेल यू कि इसका यूज क्या है. कर्सर, ठीक है, मैंने इसका नाम कर्सर ऑब्जेक्ट का नाम मैंने कर्सर ही ले लिया है. ये हम किसकी हेल्प से क्रिएट करेंगे? ये हम कनेक्शन ऑब्जेक्ट जो हमारा MyCon है उसकी हेल्प से. ठीक है, MyCon डॉट कर्सर फंक्शन. कर्सर फंक्शन की हेल्प से हम कर्सर ऑब्जेक्ट, जो ये हमारा क्या है? कर्सर ऑब्जेक्ट है. फाइन, इसको हमने MyCon डॉट, MyCon क्या है आपका? कनेक्शन ऑब्जेक्ट डॉट कर्सर फंक्शन की हेल्प से क्रिएट किया है. अब देखो कर्सर ऑब्जेक्ट का क्या यूज है. ठीक है, कर्सर ऑब्जेक्ट गेट्स द एक्सेस ऑफ ऑल द रिकॉर्ड्स रिट्राइव्ड एज पर क्वेरी. इस ये क्या करता है? जितना भी डेटा क्या होगा, एक्सेस होगा, ठीक है, वो सारा डेटा किसके पास जाएगा? कर्सर ऑब्जेक्ट के पास जाएगा. ओके, और कर्सर ऑब्जेक्ट क्या करेगा? इट विल अलाउ यू टू ट्रेवर्स द रिजल्ट सेट रो बाय रो. मीन्स जितना भी रिजल्ट सेट, रिजल्ट सेट क्या होता है? जो डेटा कर्सर ने रिसीव किया है कहाँ से? डेटाबेस से. ठीक है, जो भी डेटा कर्सर ने रिसीव किया है डेटाबेस से, कर्सर ऑब्जेक्ट ने रिसीव किया है डेटाबेस से. ओके, उस डेटा को आप ट्रेवर्स कर सकते हो. ट्रेवर्स मतलब उस डेटा को वन बाय वन आप एक्सेस कर सकते हो. फाइन, तो हमने क्या किया? कर्सर ऑब्जेक्ट अपना क्रिएट कर लिया है. नेक्स्ट हम क्या करेंगे? क्वेरी अपनी एग्जीक्यूट कराएंगे. ओके, क्योंकि क्वेरी एग्जीक्यूट कराएंगे तभी तो हमारे पास डेटा आएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेरी. ओके,
तो वी हैव क्रिएटेड द कर्सर ऑब्जेक्ट. अब हमको क्या करना है, अब हम एसक्यूएल क्वेरी को एग्जीक्यूट कराएंगे, राइट. और एसक्यूएल क्वेरी को एग्जीक्यूट कराने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे एग्जीक्यूट फंक्शन का. फाइन, तो कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, और जो भी क्वेरी आपको एग्जीक्यूट करानी है, मान लो मुझे एग्जीक्यूट करानी है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट. स्टूडेंट टेबल है मेरी किसके अंदर, स्कूल डेटाबेस में. ओके, तो मैं उसका डेटा यहाँ पे एग्जीक्यूट करा देती हूँ. फाइन, हमने कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया. कर्सर ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, क्वेरी को एग्जीक्यूट करा रहे हैं. क्वेरी एग्जीक्यूट होने के बाद जितना भी जो रिजल्ट आएगा वो कहाँ जाके स्टोर होगा, कर्सर ऑब्जेक्ट में रिजल्ट होगा. मतलब स्टूडेंट टेबल का जितना भी डेटा जो आप एक्सेस करोगे इस कमांड से, वो कहाँ जाके स्टोर होगा, आपका कर्सर ऑब्जेक्ट में जाके स्टोर होगा. फाइन, और कर्सर ऑब्जेक्ट आपको क्या करता है, ये आपको अलाउ करता है कि आप डेटा को ट्रेवर्स कर सकते हो या एक्सेस कर सकते हो रो बाय रो. ठीक है, आप रो बाय रो अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हो. फाइन, अब देखो हमने क्वेरी एग्जीक्यूट कराई, उसका डेटा कर्सर ऑब्जेक्ट में चला गया. अब हम क्या करेंगे, उस डेटा को एक्सेस करेंगे. और उसको एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फोर लूप का यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा. फाइन, तो मैं क्या करूँगी, कर्सर ऑब्जेक्ट को आइट्रेट करूँगी, ओके, टू गेट द रिजल्ट सेट. तो यहाँ पर हम करेंगे फोर लूप का यूज़, फोर आई इन कर्सर. ठीक है, कर्सर प्रिंट आई. तो देखो यहाँ पे रो बाय रो आप डेटा को एक्सेस कर सकते हो. फाइन, प्रिंट आई. ओके, नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब आपने क्या किया, डेटा को फोर लूप की हेल्प से रोज को रो बाय रो, देखो पहले आई क्या करेगा, कर्सर में स्टोर फर्स्ट रो को एक्सेस करेगा, फिर आई क्या करेगा, कर्सर में स्टोर सेकेंड रो को एक्सेस करेगा. ओके, जितनी भी आपकी रोज़ हैं टेबल के अंदर, स्टूडेंट टेबल के अंदर जितनी भी रोज़ हैं जो कर्सर में स्टोर हुई थी, वो आप फोर लूप की हेल्प से वन बाय वन एक्सेस कर लोगे. फाइन, अब देखो लास्ट क्या है, लास्ट आपको अपना कनेक्शन क्या करना पड़ेगा, क्लोज, क्योंकि अब हमें इसका कोई यूज़ नहीं करना. तो हम अपना कनेक्शन कर देते हैं क्लोज, माइकॉन डॉट क्लोज. फाइन, नाउ यहाँ तक हमने एग्जीक्यूट किया था, तो हमारे पास आ गया था सक्सेसफुली कनेक्टेड टू MySQL डेटाबेस. अब हम क्या करते हैं, रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट करते हैं. ओके, सी, ये आपके पास टेबल आ गई है. ओके, स्टूडेंट टेबल का डेटा आ गया है इन द फॉर्म ऑफ टपल्स. देखो टपल्स की फॉर्म में आया आपका डेटा, फर्स्ट रो फर्स्ट टपल, सेकेंड जो सेकेंड रिकॉर्ड है वो सेकेंड टपल, देन थर्ड रिकॉर्ड थर्ड टपल, लाइक दिस. ओके, तो ये आपका क्या आ गया, डेटा. फाइन, यहाँ पे आपने क्या किया, पाइथन इंटरफेस के अंदर एसक्यूएल की क्वेरीज को, ये पाइथन का इंटरफेस है, राइट. ओके, उसके अंदर आपने एसक्यूएल की क्वेरीज को एग्जीक्यूट किया है. ठीक है, तो मेरा डेटाबेस क्या था, स्कूल था, और उसके अंदर से मैंने स्टूडेंट टेबल को एक्सेस किया है. फाइन, यहाँ पे देख लो 101 रोहन, लाइक दिस. तो मैं यहाँ पे आपको शो भी कर देती हूँ अपने डेटाबेस में, MySQL है, तो मैं इसमें कमांड लिख दूंगी शो डेटाबेसिस. ठीक है, ये मेरा स्कूल है डेटाबेस जिसके साथ मैंने कनेक्शन क्रिएट किया है, तो मैं इसको लिखूंगी यूज स्कूल, राइट. एंड इसके अंदर हम देख लेते हैं शो टेबल्स. तो एक ही टेबल है स्टूडेंट टेबल, हम कमांड देते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट. तो MySQL में क्या है, दिस इज नॉट केस सेंसिटिव, आप किसी भी केस अपर केस या लोअर केस में लिख सकते हो. तो देखो यहाँ पे देखो रोल नंबर 101 रोहन, मार्क्स 56.8, सेक्शन ए, प्रोजेक्ट पेंडिंग, राइट. और यही आप सेम अपने फाइल में देखोगे, यहाँ पे 101 रोहन, ओके, 56.8 ए पेंडिंग. ओके, तो अभी आपने क्या किया है, यहाँ पे कनेक्शन क्रिएट करके देखा है कि कैसे आप पाइथन इंटरफेस में MySQL को कनेक्ट कर सकते हो. फाइन, थ्रू क्या करेंगे, एसक्यूएल कमांड्स को एग्जीक्यूट करेंगे. फाइन, तो यहाँ पे हम फर्स्ट जो हमारा है बोलेंगे हैश. ठीक है, फर्स्ट जो हम करने जा रहे हैं प्रोग्राम अपना, उसमें हम पहले हेडिंग ले लेते हैं, क्रिएट अ न्यू
डेटाबेस, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम, एक नया डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर, माई डी बी ले लेते हैं इसका नेम, माई डी बी, ओके, फ्रॉम पाइथन टू माई एसक्यूएल, राइट। तो यहाँ पे हम माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर में जाके क्या करेंगे, कोड नहीं लिखेंगे, हम पाइथन के अंदर कोड लिखेंगे और वो कहाँ क्रिएट होगा, माई एसक्यूएल में क्रिएट होगा, ओके। तो सबसे पहले जो हमारी कमांड आती है, राइट, वो क्या है, इम्पोर्ट, आपको इम्पोर्ट करना है MySQL डॉट कनेक्टर पैकेज, ओके। तो मैंने इसको ले लिया एस एसक्यूएल टर, तो ये इसका क्या है, एलियस नेम है, इसको हम थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेते हैं स्क्रीन को, लो, ठीक है, नाउ आई थिंक इट्स विजिबल टू यू, फाइन। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, अपना MySQL डॉट कनेक्टर पैकेज इम्पोर्ट कर लिया है, फाइन। अब हम क्या करेंगे, अब हम कनेक्टिविटी क्रिएट करेंगे, ठीक है। और कनेक्टिविटी किसके बीच में, पाइथन और MySQL के बीच में क्रिएट करने के लिए किसका यूज़ करेंगे, हम MySQL डॉट कनेक्टर पैकेज के कनेक्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिया MyCon, MyCon क्या है, दैट आई विल टेल यू, ठीक है, MyCon SQL TUR, ये SQL TUR क्या है, मैंने alias नेम लिया है, ठीक है, जिससे मुझे पूरा MySQL डॉट कनेक्टर ना लिखना पड़े, आप कुछ भी ले सकते हो, नेम डॉट कनेक्ट, ओके, डॉट कनेक्ट। अब इसके अंदर आपको क्या पास करना है, कनेक्ट फंक्शन के अंदर आपको फोर पैरामीटर्स पास करने हैं। सबसे पहले है आपका होस्ट, राइट, तो मैं कहाँ काम कर रही हूँ, मैं लोकल होस्ट पे वर्क कर रही हूँ, ठीक है, लोकल होस्ट, ओके, यूज़र, यूज़र आपका रूट है, जब आपने MySQL को जब आपने इंस्टॉल किया था तो आपने यूज़र जो यूज़र नेम दिया था वो आपने रूट दिया था, ठीक है। पासवर्ड मेरा है 1 2 3 4 5, ओके, राइट। अब देखो यहाँ पे मैंने अभी डेटाबेस नेम नहीं दिया है क्योंकि मैं डेटाबेस खुद क्रिएट करूँगी, तो मैंने इसके अंदर तीन पैरामीटर्स पास किए हैं, होस्ट, यूज़र एंड पासवर्ड, राइट, क्योंकि अभी डेटाबेस तो मुझे खुद ही क्रिएट करना है यहाँ पे। अब देखो हम क्या, अब MyCon क्या है, MyCon जो यहाँ पे देखो जो कनेक्शन क्रिएट हुआ है वो कहाँ जाके स्टोर होगा, वो MyCon ऑब्जेक्ट के अंदर जाके स्टोर होगा, राइट। तो MyCon क्या है, डेटाबेस कनेक्शन ऑब्जेक्ट है, ओके, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एक यूनिक सेशन रिप्रेजेंट करता है बिटवीन द पाइथन एंड द डेटाबेस, राइट, मतलब ये कनेक्टिविटी सेशन को रिप्रेजेंट करता है, फाइन। तो ये जो भी कनेक्शन क्रिएट होगा वो कहाँ जाके स्टोर होगा, MyCon कनेक्शन ऑब्जेक्ट के अंदर जाके स्टोर होगा, तो MyCon आपका कनेक्शन ऑब्जेक्ट है, फाइन। अब देख लो, अगर आप देखना चाहते हो कि आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ है या नहीं हुआ है, तो हम कनेक्शन ऑब्जेक्ट के साथ इस कनेक्टेड इस अंडरस्कोर कनेक्टेड फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर फॉल्स है, अगर मैंने इसको दे दिया फॉल्स, तो कनेक्शन क्रिएट नहीं होगा, राइट, तो प्रिंट हो जाएगा मेरा, प्रिंट एरर कनेक्टिंग टू MySQL डेटाबेस, राइट। अगर कनेक्शन क्रिएट नहीं होता है तो आपका एरर आ जाएगा, ओके। अब देखो, अब हम क्या क्रिएट करेंगे, अब हम क्रिएट करेंगे कर्सर ऑब्जेक्ट को, ओके। MyCon हमारा क्या था, ये था हमारा कनेक्शन ऑब्जेक्ट, फाइन, जो क्या स्टोर करता है, जो आप जो पाइथन और MySQL का कनेक्शन क्रिएट हुआ है ये उसका सेशन स्टोर करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमें क्रिएट करना है वो कर्सर ऑब्जेक्ट हमें क्रिएट करना है। कर्सर ऑब्जेक्ट क्या करता है, इट गेट एक्सेस ऑफ ऑल द रिकॉर्ड्स, जो भी रिकॉर्ड्स आप MySQL से एक्सेस करते हो वो कहाँ जाके स्टोर होते हैं, कर्सर ऑब्जेक्ट के अंदर जाके स्टोर होता है, ठीक है। तो हम कर्सर ऑब्जेक्ट को अब क्रिएट करेंगे। कर्सर ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होगा, जैसे मैंने मेरे जो कर्सर ऑब्जेक्ट का नाम मैंने लिया है कर्सर, फाइन, तो इसके लिए, इसको क्रिएट करने के लिए आप क्या करोगे, कनेक्शन ऑब्जेक्ट जो क्या है मेरा MyCon डॉट कर्सर फंक्शन,
फाइन, आपका क्या जाएगा माइकॉन डॉट कर्सर फंक्शन से आपका क्या क्रिएट हो जाएगा, कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा. फाइन, अब कर्सर ऑब्जेक्ट जो क्रिएट हो गया है इसकी हेल्प से आप जितनी भी एसक्यूएल की क्वेरीज हैं उनको एग्जीक्यूट करा सकते हो. राइट, ओके. तो अब मेरे को क्या करना है, डेटाबेस क्रिएट करना है. तो मैंने यहाँ पे लिखा कर्सर डॉट एग्जीक्यूट. एग्जीक्यूट फंक्शन में आप अपनी क्वेरी दे दो, जो भी आपको क्वेरी करनी है. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम मैं दे देती हूँ माई डीबी दे देती हूँ. चलो माई डीबी, ओके. मैंने अपने डेटाबेस का नाम दे दिया क्रिएट डेटाबेस माई डीबी अंडरस्कोर, चलो इतने ही ले लेते हैं माई डीबी, ओके. अब लास्ट हमें क्या करना है, हमें अपने कनेक्शन को, जो कनेक्शन क्रिएट हुआ था वो कहाँ पे स्टोर है आपका, माइकॉन कनेक्शन ऑब्जेक्ट में स्टोर है, उसको हमें क्या करना है, क्लोज करना है. ओके, तो यहाँ पे देखो अब मैं क्या करूँगी, माइकॉन डॉट क्लोज. ओके, अब देखो मैंने यहाँ पे जो कौन सी क्वेरी एग्जीक्यूट कराई, क्रिएट डेटाबेस माई डीबी. मैं एक डेटाबेस क्रिएट करना चाहती हूँ जिसका नाम क्या होगा, माई डीबी. ओके, अब हम इसे रन करेंगे, ये रन हो चुका है. नाउ वी विल सी आर डेटाबेस. अब डेटाबेस को हम देखते हैं, शो, इसमें कमांड मैंने ले लिया शो डेटाबेसेस. तो मैंने क्या क्रिएट किया था, माई डी बी. तो यहाँ पे देखो आपका माई डी बी आ चुका है. फाइन, जो हमने क्रिएट किया है माई डी बी वो यहाँ पे आ चुका है. ओके, तो अभी आपने क्या क्रिएट किया है, डेटाबेस को क्रिएट किया है. राइट, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम में पाइथन इंटरफेस में ही चेक करेंगे. पहले मैं हेडिंग डाल देती हूँ, मेरा सेकेंड प्रोग्राम जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो क्या है, चेक check for all the databases check for all the databases present in MySQL using python. अभी मैंने क्या किया था, MySQL में जाके शो डेटाबेसेस कमांड देके चेक किया था कि मेरा MyDB डेटाबेस क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है. मैं इसको यहाँ पे भी चेक कर सकती हूँ. ठीक है, अब यहाँ पे देखो मेरे जो अबव जो कमांड है, ठीक है, जो एज इट इज़ सेम रहेंगे उनको मैं कॉपी कर लेती हूँ. ओके, तो मेरा क्या है, कर्सर ऑब्जेक्ट तक एज इट इज़ सेम रहेगा. यहाँ पे इम्पोर्ट से लेकर कर्सर ऑब्जेक्ट तक ये सेम रहेगा. कंट्रोल सी कर लिया, फाइन, और मैंने यहाँ पे कर लिया कंट्रोल वी. ठीक है, क्योंकि जो अबव कमांड है उससे हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, उससे हम कनेक्शन क्रिएट कर रहे हैं. सिंपल, ओके, आप कनेक्शन क्रिएट कर रहे हो अबव कमांड से. ओके, नाउ अब देखो, अब नेक्स्ट कमांड मुझे क्या देनी है, मैंने कर्सर ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट. और एग्जीक्यूट में कौन सी क्वेरी को आप एग्जीक्यूट करोगे, मैं करूँगी यहाँ पे शो डेटा बेसिस. ठीक है, शो डेटा बेसिस, फाइन. देखो तो अब जो कमांड्स है वो हमने कॉपी करी क्योंकि वो एज इट इज़ रहेंगी, सेम रहेंगी. ओके, ये कमांड्स हमने किस लिए राइट किए हैं, टू क्रिएट द कनेक्शन. फाइन, उसके बाद आपने कर्सर ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया, फाइन, बाय यूजिंग द माइकॉन ऑब्जेक्ट कनेक्शन ऑब्जेक्ट. अब आपकी जो क्वेरी है वो क्या है, शो डेटाबेसेस, आपको यहाँ पे डेटाबेसेस को शो कराना है. फाइन, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, डेटाबेस को शो कराने के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे लूप का यूज करूँगी फॉर आई इन कर्सर. अब देखो मैंने आपको बताया था कर्सर ऑब्जेक्ट क्या करता है, जो भी क्या होता है डेटा, ओके, क्वेरी के थ्रू एक्सेस होता है, फेच होता है, वो कहाँ पे जाके स्टोर होता है, वो कर्सर ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होता है. और हम उसे कर्सर ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी डेटा है आप उसे आइट्रेट कर सकते हो, मतलब उसे एक्सेस कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ टपल्स. राइट, इन द फॉर्म ऑफ रोज.
फाइन। तो यहाँ पे देखो फॉर आई इन कर्सर, ओके मैंने लिख दिया प्रिंट आई, ओके। एंड नेक्स्ट आपको क्या करना है, अपने कनेक्शन को क्लोज करना है, माइकॉन डॉट क्लोज, फाइन। इसको हम थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ये हमारा प्रोग्राम है, फाइन। देखो यहाँ पे ऊपर आपका ये सेम था, फिर आपने सिंपल क्या किया है, क्वेरी जो एग्जीक्यूट की है उसमें लिखा है शो डेटाबेसेस, एंड जो भी आपका डेटा रिट्राइव होगा वो कहाँ पे जाके स्टोर होगा, कर्सर ऑब्जेक्ट में। तो कर्सर ऑब्जेक्ट से हमें क्या करना है, उसको प्रिंट कराना है, ओके। तो हमने यहाँ पे फोर लूप की हेल्प से उसको एक्सेस किया है और प्रिंट करा दिया है। नाउ वी विल रन दिस। देखो आपके पास डेटाबेसेस की लिस्ट आ गई है, जो भी डेटाबेसेस हैं इसमें हमारा जो हमने डेटाबेस क्रिएट किया था वो कौन सा था, MyDB, ओके। नाउ अब हम करेंगे नेक्स्ट कमांड। अभी हमने डेटाबेस क्रिएट किया और देखा कि आप डेटाबेस को कैसे शो करा सकते हो। अब हम क्या करेंगे, टेबल क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ पे हेडिंग ले लेते हैं, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, ओके। ये हमारी क्या है, थर्ड प्रोग्राम है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया क्रिएट अ टेबल, क्रिएट अ टेबल इन MySQL। MySQL के अंदर हम टेबल को क्रिएट करा रहे हैं, किस डेटाबेस के अंदर, डेटाबेस हमारा है MyDB जो हमने अभी क्रिएट किया है, ठीक है। क्रिएट अ टेबल इन MySQL, ओके, यूजिंग पाइथन इंटरफेस, फाइन। पाइथन इंटरफेस को यूज करके, अब देखो स्टार्टिंग का तो मैं एज इट इज कॉपी कर देती हूँ, कंट्रोल वी, ओके। लेकिन यहाँ पे एक चीज मुझे और देनी है, यहाँ पे मुझे डेटाबेस का नेम देना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करनी है, डेटाबेस। और मेरे डेटाबेस का नेम क्या है, मेरे डेटाबेस का नेम है MyDB। आप देखो ऊपर जाके आप देख सकते हो आपके डेटाबेस जो आपने क्रिएट किया था उसका नेम क्या है, MyDB, ओके। तो आप यहाँ पे दे दो MyDB, राइट, दिस इज योर डेटाबेस नेम, ओके। अब हमने, अब आप देखो इतना हमने क्या किया था, कॉपी कर लिया था कर्सर तक, आपका कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है, फाइन। अब हम क्या करेंगे, अपनी क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे, जिसमें हमने क्या क्रिएट करनी है, टेबल क्रिएट करनी है। तो मैंने यहाँ पे लिखा कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, और एग्जीक्यूट में हम करेंगे अपनी कमांड को लिखेंगे CREATE क्रिएट TABLE टेबल, ठीक है। और मेरी टेबल का नेम क्या है, स्टूडेंट, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, ओके। और उसमें मैं कौन कौन से कॉलम्स ले रही हूँ, रोल नंबर, रोल नंबर मेरा इंट है, ठीक है, आप ले सकते हो उसमें कि कितना हो, मतलब तीन ही डिजिट ले सकते हो आप उसके अंदर। और वो क्या है, मेरा प्राइमरी की, प्राइमरी की, ठीक है। एक कॉलम मैंने ये ले लिया, दूसरा कॉलम मैं ले लेती हूँ नेम, ओके। और वेयर केयर, नेम वेयर केयर मैं ले लेती हूँ यहाँ पे 30, ठीक है। नेम में कितने हैं मेरे करेक्टर्स आ सकते हैं, 30, फाइन। एक मैंने ले लिया एज, इंट, ओके। एंड नेक्स्ट मैंने ले लिया सिटी, वेयर केयर, सिटी में हमने ले लिया वेयर केयर 20, ओके। सिटी में आपने ले लिया वेयर केयर 20, फाइन। तो यहाँ पे मैंने अपनी क्वेरी क्या कर दी है, लिख दी है, ओके। अब आपको सिंपली क्या करना है, माइकॉन कनेक्शन ऑब्जेक्ट को क्लोज करना है, डॉट क्लोज, ओके। नाउ वी विल रन दिस। इसको आपने रन कर दिया है और टेबल आपकी क्रिएट हो चुकी है, ओके। अब देखो मैं पहले आपको वहाँ पे भी चेक करा देती हूँ कि टेबल क्रिएट हुई है कि नहीं हुई है MySQL में। यहाँ पे देखो पहले हम करेंगे यूज़ माई डी बी, ठीक है। अब इसके अंदर हम लिखेंगे शो टेबल्स,
तो देखो आपकी स्टूडेंट टेबल आ गई है, ठीक है, आ गई है, इसने शो कर दिया है जो आपने वहाँ पे क्रिएट किया है। अब मैं देखो यहाँ पे आपको शो करूँगी कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि आपकी टेबल क्रिएट हुई है कि नहीं हुई है, ओके। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए पहले हम यहाँ पे एक हेडिंग ले लेते हैं, राइट, चेक वेदर दी क्रिएटेड टेबल, CREATED क्रिएटेड टेबल एक्सिस इन MySQL, ओके, यूजिंग पाइथन इंटरफेस, यूजिंग पाइथन इंटरफेस, ठीक है। अब हम चेक करेंगे, मैंने आपको उसमें MySQL में तो शो कर दिया है, ठीक है, बन चुकी है, बट आप यहाँ पे भी उसको चेक कर सकते हो, कैसे, कंट्रोल वी, अब कमांड एज इट इज रहेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी क्वेरी एग्जीक्यूट करानी है, तो यहाँ पे मेरी क्वेरी होगी कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, और उसमें कौन सी कमांड दोगे आप दोगे शो टेबल्स, ठीक है। SQL की कमांड्स आपकी सेम होती है, ठीक है, जो आप यहाँ पे एग्जीक्यूट करोगे, शो टेबल्स, राइट। अब देखो जितनी भी टेबल्स होंगी वो कहाँ जाके, मतलब जितना भी डेटा होगा वो कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, आपके कर्सर ऑब्जेक्ट में जाके स्टोर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, वो फेच करना है, तो हम कर्सर ऑब्जेक्ट के डेटा को क्या करेंगे, आइट्रेट करेंगे। उसके लिए हम फोर लूप का यूज़ करते हैं, फोर IN कर्सर प्रिंट I एंड अपने माइकॉन ऑब्जेक्ट को आप क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे, ओके। नाउ वी विल रन दिस, इसको रन करेंगे, देखो वेट आ रहा है अभी, वेट के बाद, ओके। तो हमने यहाँ पे डेटाबेस नहीं लिया था, ठीक है, हमें डेटाबेस भी तो देना है, डेटाबेस हमारा क्या है, डेटाबेस है हमारा MyDB, राइट, ओके। अब डेटाबेस नहीं दिया है तो कनेक्टिविटी कैसे होगी, फाइन। तो अब इसको रन करते हैं, देखो आपका यहाँ पे आ गया टेबल स्टूडेंट टेबल आपकी आ गई है, फाइन, ओके। अब हम करेंगे नेक्स्ट कमांड को एग्जीक्यूट, नेक्स्ट कमांड में हम क्या करेंगे, हम इसमें ऐड करेंगे कॉलम अपनी टेबल के अंदर, राइट। तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ कमेंट, ये मेरा फिफ्थ प्रोग्राम है, इसमें हम ले लेते हैं कमेंट मॉडिफाई टेबल स्टूडेंट टेबल को हमें मॉडिफाई करना है, ठीक है, कैसे, एडिंग अ न्यू कॉलम COLUMN कॉलम, ओके, इन MySQL यूजिंग पाइथन इंटरफेस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उस जो आपने टेबल क्रिएट की है स्टूडेंट टेबल, उसके स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करेंगे, यहाँ पे हम एक न्यू कॉलम को ऐड करेंगे, फाइन। अब देखो मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ, जो मैं ऊपर से कॉपी किया था ना, तो क्या हुआ था, हाँ यहाँ तक ले लेते हैं कंट्रोल सी, इसमें आपका डेटाबेस भी आ जाएगा, क्योंकि अबव कमांड आपकी सेम है, कंट्रोल वी, राइट, आपने कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने तक ले लिया है, फाइन। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, कर्सर कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, अब एग्जीक्यूट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑल्टर कमांड का यूज़ करेंगे, ठीक है। ऑल्टर कमांड को यूज़ करके आप टेबल के स्ट्रक्चर में क्या कर सकते हो, मॉडिफिकेशन कर सकते हो, उसमें कॉलम्स को ऐड कर सकते हो, फाइन। तो यहाँ पे हम ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, ओके, ऐड कर देते हैं हम इसके अंदर MA मार्क्स कॉलम को ऐड कर देते हैं,
ठीक है, मार्क्स इंट और 3 डिजिट का हम उसमें ले लेंगे नंबर। फाइन, हमने ऑल्टर कमांड दे दिए यहाँ पे। अब आप क्या करोगे, अपने कनेक्शन ऑब्जेक्ट को क्लोज कर दोगे, माइकॉन डॉट क्लोज। ओके, नाउ वी विल रन दिस प्रोग्राम। देखो ये आपका रन हो गया है, मतलब एक कॉलम आपका ऐड हो चुका है क्योंकि एरर नहीं आई है। अब क्या करेंगे, हम यहीं पे देखते हैं कि कॉलम ऐड हुआ है या नहीं हुआ है, फिर हम MySQL में भी देखेंगे। तो आपका नेक्स्ट जो कमेंट होगा वो होगा 6 की मॉडिफिकेशन। देखेंगे हम, देखेंगे कि जो टेबल जो आपने ऐड किया था वो ऐड हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, उसके लिए मैं यहाँ पे कमेंट दे देती हूँ, व्यू दी व्यू दी मॉडिफाइड स्ट्रक्चर ऑफ टेबल इन MySQL, ठीक है, यूजिंग पाइथन इंटरफेस। ओके, अब हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, अब देखो ऊपर एज इट इज मैं इसको कॉपी कर देती हूँ, कंट्रोल वी, ये आ गया मेरा कर्सर ऑब्जेक्ट तक, राइट। अब ओके, अब हम क्या करेंगे, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, अपनी क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे। और क्वेरी में हमें क्या करना है, टेबल का स्ट्रक्चर देखना है। तो आप क्या कमांड दोगे, डिस्क्राइब DESC, ओके, शॉर्ट फॉर्म स्टूडेंट। ओके, यहाँ पे हमने डिस्क्राइब स्टूडेंट दे दिया, हमने उसके अंदर क्या किया है, एक कॉलम और ऐड किया है, राइट, किसके, और वो कॉलम क्या है हमारा, मार्क्स, राइट। ओके, अब यहाँ पे देखो आप क्या करोगे, 4, अब जितने भी कॉलम्स एक्सेस होंगे, राइट, वो कहाँ पे जाके स्टोर होंगे, आपके कर्सर ऑब्जेक्ट में होंगे, तो उसको हमें एक्सेस करना है। फॉर आई इन कर्सर प्रिंट आई, आपको डेटा मिलेगा किस फॉर्म में, टपल की फॉर्म में, राइट। लास्ट आपको करना है अपने कनेक्शन को क्लोज। नाउ वी विल रन दिस प्रोग्राम। देखो आपका आ गया है रोल नंबर, आपने रोल नंबर कॉलम दिया था पहले, नेम, एज, सिटी, अब मार्क्स भी आपका ऐड होके आ गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, MySQL में भी हम देख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख दें DESC डिस्क्राइब स्टूडेंट, ठीक है, तो यहाँ पे देखो मार्क्स ऐड, मार्क्स कॉलम भी यहाँ पे ऐड हो गया है। ओके, तो आपने कॉलम ऐड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी टेबल के अंदर, हमारी टेबल बन चुकी है, अब इसके अंदर हम डेटा ऐड करेंगे। फाइन, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, डेटा इंसर्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक ही रो को इंसर्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे कमेंट ले ली, ये मेरा 7th प्रोग्राम है, तो मैंने यहाँ पे ले ली इंसर्ट अ न्यू रिकॉर्ड, इंसर्ट अ न्यू रिकॉर्ड इनटू टेबल स्टूडेंट। ठीक है, बस इतना ही लिख देती हूँ, इंसर्ट अ न्यू रिकॉर्ड इनटू टेबल स्टूडेंट। फाइन, अब कंट्रोल वी। ओके, कर्सर ऑब्जेक्ट तक आपने इसको बना लिया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, आप अपनी क्वेरी को एग्जीक्यूट करोगे। तो मैं यहाँ पे दूंगी कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, और एग्जीक्यूट में हम क्या करेंगे, इंसर्ट कमांड अपनी यूज करेंगे। ओके, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, राइट, 1 नेम मैंने दे दिया रोहन, ओके, और मैंने एज दे दी 23, और मैंने सिटी दे दी मुंबई, ओके, एंड मार्क्स भी आपको देने हैं, मार्क्स दे दी मैंने 89, राइट, क्योंकि हमने एक कॉलम और ऐड कर दिया था मार्क्स का। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं दूंगी माइकॉन डॉट कमिट फंक्शन।
अब कमिट फंक्शन मैंने इसलिए यूज़ किया है जिससे जो भी चेंज आप कर रहे हो अपनी टेबल के अंदर, डेटाबेस के अंदर, वो क्या हो जाए, परमानेंट, राइट। उसके लिए हमने क्या यूज़ किया है, उसके लिए हमने कमिट फंक्शन का यूज़ किया है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट हम दे रहे थे प्रिंट कर्सर डॉट रो काउंट। अब रो काउंट प्रॉपर्टी की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ रोज को काउंट कर सकते हो टेबल के अंदर। फाइन, रिकॉर्ड इंसर्टेड, राइट। ओके, देन आप माय कॉन डॉट क्लोज। ओके, इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, राइट। अच्छा, माई कॉन ही लिखा आपने, माई कॉन, अगेन रन दिस। ठीक है, एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। टेबल में जाके देखें इसके अंदर, देखो यहाँ पे हम देखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, तो देखो अभी हमने एक रिकॉर्ड को यहाँ पे क्या किया है, इंसर्ट किया है। फाइन, अब नेक्स्ट प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल लेती हूँ। मल्टीपल रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करने के लिए हम यहाँ पे हेडिंग डालते हैं इंसर्ट मल्टीपल रिकॉर्ड्स। सिर्फ मैंने इतना लिख दिया, इंसर्ट इनटू टेबल लिख देते हैं, इनटू टेबल स्टूडेंट। फाइन, इससे पहले हमने सिर्फ एक रिकॉर्ड इंसर्ट किया था, अब हम क्या करेंगे, और भी रिकॉर्ड्स उसमें इंसर्ट करेंगे। फाइन, तो यहाँ पे कंट्रोल वी एज इट इज मैंने दे दिया है। अब आपको क्या करना है, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, राइट, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज़। अब ये ध्यान रखना, हमने रोल नंबर को प्राइमरी की बनाया है तो उसकी वैल्यू रिपीट ना हो, ठीक है। राधिका, ओके, नेम ले दिया, ठीक है, और यहाँ पे एज मैंने दे दी 24, ठीक है, सिटी आप दे दो गोवा, ठीक है, एंड सिटी आप दे दो गोवा, एंड मार्क्स दे दो आप 70, ठीक है। अब देखो मैं इसी को कॉपी कर लेती हूँ, फिर इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर दूँगी, कंट्रोल सी, फाइन, कंट्रोल वी, अगेन कंट्रोल वी, अगेन कंट्रोल वी, ठीक है। कुछ रिकॉर्ड्स हम इसके अंदर एंटर करा देते हैं। अब यहाँ पे मैंने रोल नंबर कर दिया 3, नेम कर दिया यहाँ पर पूजा, ठीक है, एज दे दी 25, सिटी दे दी मैंने यहाँ पर SHIMLA शिमला, और मार्क्स कर देते हम 80, ठीक है। यहाँ पे 4 रोल नंबर कर देते हैं और नेम दे देते हैं, नेम देते हैं अर्जुन, ठीक है, अगेन एज 24 दे सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम देते हैं दिल्ली, और मार्क्स दे देते हैं 90, राइट, एंड 5 नेम आप दे दो प्रिया, एज 26, एंड सिटी आप दे दो पुणे, और मार्क्स आप दे दो 60, राइट। ओके, नेक्स्ट हमें क्या करना है, माइकॉन डॉट कमिट, ठीक है। कमिट हम किस लिए करें, जिससे जो भी हम डेटा इंसर्ट करा रहे हैं वो क्या हो जाए, परमानेंटली स्टोर हो जाए। फाइन, और यहाँ पे हमने प्रिंट करा दिया प्रिंट कर्सर डॉट
रो काउंट, जिससे हमें नंबर ऑफ रोज भी काउंट होके आ जाएंगी। ठीक है, ठीक है, ये कर्सर की प्रॉपर्टी है रो काउंट। रिकॉर्ड इंसर्टेड और लास्ट में आप कर दो माय कॉन डॉट क्लोज। ओके, नाउ वी विल रन दिस प्रोग्राम। ओके, वन रिकॉर्ड इंसर्टेड ओनली, व्हाई? चलो लेट्स सी, यहाँ पे हम देखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, सारे रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए, राइट? वो पता नहीं क्यों वन रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, सारे रिकॉर्ड्स आपके जो भी आपने कराए हैं वो सारे आपके इंसर्ट हो गए हैं, फाइन। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब देखो नेक्स्ट आपका क्या है, आप अपने रिकॉर्ड्स को जो भी मैंने जैसे सिलेक्ट स्टार करके माई एसक्यूएल में देखा है, मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि मेरे कितने रिकॉर्ड्स इंसर्ट हुए टेबल के अंदर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब अपना नेक्स्ट प्रोग्राम हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, इसको मैं लिख देती हूँ एग्जीक्यूटिंग सिलेक्ट स्टेटमेंट, सिलेक्ट स्टेटमेंट यूजिंग using python, okay, fine, control v, ओहो ये नहीं चाहिए मुझे, अब मुझे फिर से ऊपर से करना पड़ेगा अपना डेटा, यहाँ से हम क्या करते हैं इसको control c, ठीक है, क्योंकि ये तो as it is आएगा, no need to write it again and again, control v, ठीक है, इतना हमने यहाँ से copy कर लिया कर्सर ऑब्जेक्ट तक आपका। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट और एग्जीक्यूट में आप स्टेटमेंट दोगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, फाइन। ओके, अब ये डेटा कहाँ पे जाके स्टोर होगा आपका, कर्सर ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी क्वेरी एग्जीक्यूट होगी उसका डेटा, फाइन। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेती हूँ माय रिकॉर्ड्स, माय रिकॉर्ड्स, ठीक है, मैंने एक वेरिएबल ले लिया डॉट इक्वल टू कर्सर डॉट फेच ऑल। अब फैच ऑल फंक्शन क्या करेगा, कर्सर का पूरा डेटा फैच कर लेगा, ठीक है, कर्सर के अंदर जो भी डेटा है उसको फैच कर लेगा इन द फॉर्म ऑफ टपल्स, राइट, और वो हमने कहाँ पे जाके स्टोर करा दिया है, वो हमने माई रिकॉर्ड्स वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर करा दिया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको फैच ऑल का यूज़ बता रही हूँ, फैच ऑल फंक्शन की हेल्प से आपने कर्सर का डेटा इन द फॉर्म ऑफ टपल कम्प्लीटली फैच कर लिया है। ओके, और उसको हमने रिकॉर्ड, उसको हमने स्टोर करा दिया माई रिकॉर्ड्स वेरिएबल के अंदर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फोर आई इन, अब सारा डेटा कहाँ है, माई रिकॉर्ड्स वेरिएबल के अंदर, तो हम माई रिकॉर्ड्स को लेंगे, माई रिकॉर्ड्स प्रिंट आई, और यहाँ पे आप अपने कनेक्शन ऑब्जेक्ट को क्लोज कर दोगे तो आपका कनेक्शन भी क्लोज हो जाएगा। ओके, रन दिस, देखो आपका आ गया रिकॉर्ड। ठीक है, जो भी डेटा था यहाँ पे देखो, ये टेबल्स, ये आपकी टपल, ये आपका रिकॉर्ड्स है, ये यहाँ पे टपल्स की फॉर्म में आ गया है, फाइन। ओके, तो आपने यहाँ पे पूरा डेटा टेबल का एक्सेस करा दिया है। ओके, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, वी विल इम्प्लीमेंट सिलेक्ट स्टेटमेंट, ओके, यूजिंग वेयर क्लॉज, वेयर क्लॉज के साथ हम सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, जो हम क्या करते हैं MySQL में करते हैं कंडीशन देके, उसको हम पाइथन इंटरफेस के थ्रू सिलेक्टिवली अब डेटा को एक्सेस कराएंगे। ठीक है, इम्प्लीमेंटिंग सिलेक्ट स्टेटमेंट यूजिंग वेयर क्लॉज, तो यहाँ पे हम कंडीशन, अब पूरा डेटा हम नहीं करा रहे हैं, पूरा डेटा एक्सेस नहीं कराएंगे, क्या करेंगे, कंडीशन की हेल्प से एक पर्टिकुलर डेटा जो हम चाहते हैं वो, उसको हम क्या करेंगे, एक्सेस कराएंगे। ठीक है, ओके, वेयर क्लॉज, कंट्रोल वी, या आपने क्या किया, कनेक्शन ऑब्जेक्ट तक यहाँ पर पेस्ट कर लिया है,
अब हम क्या करेंगे, अपनी क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे. ठीक है, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, यहाँ पे मैं देती हूँ सिलेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है, सिलेक्ट नेम, एज, ओके, एंड मार्क्स. मैंने सिर्फ यहाँ पे तीन कॉलम्स दिए हैं, नेम, एज एंड मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, वेयर सिटी इक्वल्स टू, सिटी हमारी क्या है, सिटी है हमारी दिल्ली. ठीक है, क्या आ जाए, आपका नेम आ जाए, एज आ जाए और मार्क्स आ जाए, जहाँ पे स्टूडेंट टेबल में क्या है, सिटी क्या है, दिल्ली है. ठीक है, फाइन. अब हम सेम कर रहे हैं यहाँ पर, जो भी डेटा फेच होगा वो कहाँ जाके स्टोर होगा, कर्सर ऑब्जेक्ट में. तो मैंने यहाँ पे लिया एक वेरिएबल माई रिकॉर्ड्स इक्वल टू कर्सर डॉट फैच ऑल. फैच ऑल फंक्शन पूरा कंप्लीट डेटा इन द फॉर्म ऑफ टपल्स फैच करके कहाँ स्टोर करा देगा, कर्सर से फैच हो जाएगा और कहाँ चला जाएगा, माई रिकॉर्ड्स वेरिएबल के अंदर. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, माई रिकॉर्ड्स वेरिएबल को आइटरेट करेंगे, फोर आई इन माई रिकॉर्ड्स प्रिंट आई, ओके, माइकॉन डॉट क्लोज. ओके, अब देखो मैं यहाँ इसको रन कराती हूँ. ये आपका आ गया अर्जुन, नेम आ गया, एज और मार्क्स आ गए. ठीक है, जहाँ पे आपने क्या था, जहाँ पे आपकी सिटी क्या थी, दिल्ली. ठीक है, अब आप देखो ऊपर भी यहाँ पे अर्जुन दिल्ली हमने एक ही बार दिया है तो हमारा एक ही रिकॉर्ड आया है. फाइन, ओके, तो सिलेक्ट स्टेटमेंट हमने कर ली. अब आप क्या करोगे, अपने रिकॉर्ड्स को डिलीट करोगे पाइथन इंटरफेस की हेल्प से. ठीक है, तो यहाँ पे मेरी ये क्या है, 11 स्टेटमेंट, डिलीटिंग रिकॉर्ड्स थ्रू पाइथन इंटरफेस. ओके, हम अपने डेटा को क्या करेंगे, डिलीट करेंगे. फाइन, कंट्रोल वी, कर्सर तक मैंने एज इट इज ले लिया है. फाइन, ओके, अब मैं यहाँ पे ले लेती हूँ कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, और यहाँ पे मेरी क्वेरी आ जाएगी कर्सर डॉट एग्जीक्यूट. एक मिनट इसको पकड़ लेते हैं. हाँ, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू 5. ठीक है, जहाँ पे हमारा रोल नंबर क्या है, 5 है, वो डेटा आपका डिलीट हो जाए. ओके, और यहाँ पे आपने इसको कर दिया माई कॉन डॉट कमिट, जिससे कि आपका चेंज जो हुआ है, डेटा जो डिलीट हुआ है, रिकॉर्ड जो डिलीट हुआ है, वो परमानेंटली क्या हो जाए, डिलीट हो जाए. ओके, और प्रिंट करा दिया, प्रिंट कर्सर डॉट रो, रो काउंट. ठीक है, रिकॉर्ड डिलीटेड, राइट, एंड इन द एंड माइकॉन डॉट क्लोज. आपने अपने कनेक्शन को क्लोज कर दिया. ठीक है, इसको रन करते हैं. देखो, वन रिकॉर्ड आपका डिलीट हो गया है, जहाँ पे आपका रोल नंबर 5 था. अगर मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करती हूँ तो देखो आपका 5th रिकॉर्ड यहाँ पे प्रिया वाला रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है. ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा क्या है, अब हम यहाँ पे करेंगे अपने रिकॉर्ड को अपडेट. ओके, यूजिंग अपडेट कमांड. तो कंट्रोल, पहले मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ हेडिंग
अपडेटिंग रिकॉर्ड्स थ्रू पाइथन इंटरफेस, राइट। ओके, कंट्रोल वी, कर्सर ऑब्जेक्ट तक हमने इसको एज इट इज कॉपी कर दिया है, फाइन। अब देखो मैं क्या करती हूँ, अपनी क्वेरी को ले लेती हूँ एक वेरिएबल के अंदर, यहाँ पे मैंने ले लिया अपडेट स्टूडेंट, अपडेट स्टूडेंट, ओके। और मैं क्या कर देती हूँ, सेट एज इक्वल टू 28 वेयर नेम इक्वल टू, नेम देख लेते हैं हमारे क्या क्या है, नेम रोहन है ना, 23 एज है इसकी, 28 डेट एज कर लेते हैं, ठीक है, आर ओ एच ए एन, रोहन, फाइन। तो मैंने यहाँ पे एस टी वेरिएबल के अंदर अपनी क्वेरी ले ली है, इसको मैं ले लूँगी कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, ठीक है, और यहाँ पे पास कर दूँगी एस टी को, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, इसको कमिट कर देंगे, माइकॉन डॉट कमिट, जिससे कि वो परमानेंटली हो जाए, माइकॉन डॉट कमिट, राइट, प्रिंट करा देते हैं, कर्सर डॉट रो, रो काउंट, रिकॉर्ड अपडेटेड, कितना रिकॉर्ड, कितने रिकॉर्ड्स मतलब अपडेट हुए हैं, अपडेटेड रिकॉर्ड्स अपडेटेड, ठीक है। एंड देन वी विल क्लोज माइकॉन डॉट क्लोज, फाइन। इसको हम रन कराएंगे, ये आपका हो चुका है, अपडेट हो चुका है, वन रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, अभी हमारी एज 23 है, अब हम सिलेक्ट स्टार करेंगे तो आपकी एज देखो यहाँ पे रोहन की 28 हो चुकी है, ओके। एसक्यूएल से डेटा को आप पाइथन इंटरफेस के अंदर कैसे फेच करेंगे, इसके लिए हम तीन मेथड्स का यहाँ पर यूज़ करेंगे, फेच ऑल, फेच मैनी एंड फेच वन, राइट। तो ये मेथड्स कैसे यूज़ होंगे, इनका क्या पर्टिकुलर फंक्शन है, इसको हम करेंगे वन बाय वन, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूज़ ऑफ फेच ऑल मेथड, राइट। तो यहाँ पे मैंने हेडिंग लिख दी है यूज़ ऑफ फेच ऑल मेथड, ओके, राइट। अच्छा, फेच ऑल क्या करता है, फेच ऑल मेथड या फेच ऑल फंक्शन क्या करता है, इट विल रिटर्न ऑल द रोज फ्रॉम द रिजल्ट सेट इन द फॉर्म ऑफ टपल, राइट। आप क्या करते हो, क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हो, ओके, और वो क्वेरी का रिजल्ट सेट जो भी डेटा होता है उसे हम रिजल्ट सेट कहते हैं, वो कहाँ जाके स्टोर होता है, वो कर्सर में जाके स्टोर होता है, राइट। अब कर्सर से आप डेटा को फेच करोगे किस फॉर्म में, ऑल द रोज एट वन टाइम, जब एक साथ आप सारी रोज को फेच करोगे, उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, उसके लिए हम फेच ऑल फंक्शन का यूज़ करते हैं, फाइन। तो यहाँ पे मैं इसका यूज़ भी लिख देती हूँ कमेंट के अंदर ही, फेच ऑल फंक्शन, ओके, फंक्शन विल रिटर्न ऑल द रोज फ्रॉम रिजल्ट सेट इन द फॉर्म ऑफ टपल, ओके। नाउ वी विल स्टार्ट आवर प्रोग्राम, अब आप अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको MySQL कनेक्टर को इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर, राइट। आप इसका alias नेम भी ले सकते हो, अभी मैंने नहीं लिया है, राइट। अब देखो आपने MySQL कनेक्टर पैकेज को इंपोर्ट कर लिया है, राइट। इसकी रिक्वायरमेंट है आपको, क्यों इसके बिना कनेक्टिविटी नहीं होगी, राइट, क्योंकि MySQL डॉट कनेक्टर पैकेज ही आपको वो फंक्शंस प्रोवाइड करेगा जिसकी हेल्प से आप MySQL के साथ क्या कर सकते हो, कनेक्टिविटी क्रिएट कर सकते हो, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हमें कनेक्टिविटी क्रिएट करनी है कहाँ पर, MySQL एंड पाइथन के बीच में, राइट।
इसके लिए हम स्टेटमेंट लिखेंगे, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया माइकॉन, ओके, माई एस क्यूएल डॉट कनेक्टर, ये मेरा पैकेज है माई एस क्यूएल डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट। तो माई एस क्यूएल डॉट कनेक्टर पैकेज के कनेक्ट फंक्शन की हेल्प से हम क्या करेंगे, पाइथन को कनेक्ट करेंगे माई एस क्यूएल से, राइट। तो कनेक्ट फंक्शन में आप क्या पास करोगे, इसके अंदर आप पास करोगे फोर पैरामीटर्स। पहला मेरा है होस्ट, ठीक है, वी आर वर्किंग ऑन द लोकल होस्ट, राइट। अभी हम क्या है, लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं, इंटरनेट पे कनेक्टेड नहीं है, फाइन। आप मतलब इंटरनेट पर आपका जो सिस्टम है, राइट, आप ये एप्लीकेशन इंटरनेट पे रन नहीं कर रहे हैं, आप अपना लोकल होस्ट यूज़ कर रहे हैं, फाइन। देन वी हैव द यूज़र, यूज़र में आप लिखोगे रूट। तो ये यूज़र नेम आपने कब दिया था, जब आपने MySQL को इंस्टॉल किया था, राइट। देन वी हैव द पासवर्ड, इसमें आप क्या दोगे, अपना MySQL का पासवर्ड दोगे, मेरा है 1 2 3 4 5। नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो है आपका डेटाबेस। डेटाबेस मींस MySQL के किस डेटाबेस के साथ आप कनेक्टिविटी क्रिएट करना चाहते हो। यहाँ पे मैं ले लेती हूँ MyDB, जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, ओके। तो अब देखो, ये जो कनेक्ट फंक्शन है, राइट, ये क्या करेगा, ये कनेक्शन क्रिएट करेगा पाइथन और MySQL के बीच में। और ये कनेक्शन कहाँ पे जाके स्टोर होगा, ये कनेक्शन स्टोर होगा माइकॉन ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। तो माइकॉन जो मेरा वेरिएबल है, ये क्या है, मेरा कनेक्शन ऑब्जेक्ट है। अब ये मेरा क्या बन गया, कनेक्शन ऑब्जेक्ट है, और ये क्या करेगा, कंट्रोल करेगा कनेक्शन को बिटवीन MySQL एंड पाइथन, राइट। तो यहाँ पे माइकॉन क्या बन चुका है, मेरा कनेक्शन ऑब्जेक्ट, राइट। अब अगर आपको देखना है कि आपका कनेक्शन स्टेब्लिश हुआ है या नहीं हुआ है, तो आप कनेक्शन ऑब्जेक्ट के साथ इस अंडरस्कोर कनेक्टेड फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। तो माइकॉन क्या है, हमारा कनेक्शन ऑब्जेक्ट, ओके, डॉट इस अंडरस्कोर कनेक्टेड। अगर देखो इसकी वैल्यू क्या आती है, फॉल्स आती है, तो इसका मतलब आपका कनेक्शन क्रिएट नहीं हुआ है, और अगर इसकी वैल्यू ट्रू आती है, तो डैट मीन्स कनेक्शन क्रिएट हो चुका है। तो अगर हमने यहाँ पे फॉल्स कर दिया है, अगर माइकॉन डॉट इस कनेक्टेड फंक्शन की वैल्यू फॉल्स के इक्वल है, तो क्या प्रिंट हो जाए, तो प्रिंट हो जाए हमारा एरर कनेक्टिंग टू MySQL डेटाबेस, ठीक है। हमने एक स्टेटमेंट प्रिंट करा दिया, अगर कनेक्शन नहीं होता है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए, राइट। अब नेक्स्ट जो आपको करना है वो क्या है, आपको कर्सर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है, ठीक है। कर्सर ऑब्जेक्ट को आप कैसे क्रिएट करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे कर्सर ऑब्जेक्ट का नेम यहाँ पे कर्सर ही ले लिया है। कर्सर ऑब्जेक्ट किस लिए आप क्रिएट कर रहे हो, कर्सर ऑब्जेक्ट आपका क्या करता है, जो भी डेटा आप क्वेरी के थ्रू एक्सेस करोगे, ठीक है, जो भी डेटा आप MySQL से एक्सेस करोगे उसको स्टोर करता है, फाइन, ओके। तो यहाँ पे हमने कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए स्टेटमेंट दे दिया माइकॉन। माइकॉन क्या है, हमारा कनेक्शन ऑब्जेक्ट डॉट कर्सर फंक्शन, ठीक है। कनेक्शन ऑब्जेक्ट डॉट कर्सर फंक्शन से आपका क्या क्रिएट होगा, आपका कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। आप कोई भी नेम दे सकते हो, मैंने यहाँ पर कर्सर दे दिया है, राइट। अब हम क्या करेंगे, कर्सर ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे, ओके, CURSOR कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। अब यहाँ पे आप एग्जीक्यूट फंक्शन का यूज़ करोगे और इसमें अपनी क्वेरी को एग्जीक्यूट करोगे, ठीक है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे दे दिया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, अब स्टूडेंट टेबल मेरे किस डेटाबेस में है, MyDB डेटाबेस में है, ओके। ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, और इसका जो डेटा है वो कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा, वो कर्सर ऑब्जेक्ट में जाके स्टोर हो जाएगा, फाइन, इन द फॉर्म ऑफ टपल्स, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब हम कर्सर ऑब्जेक्ट से डेटा को फेच करेंगे, फाइन। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ले लिया डेटा, ओके, नाउ कर्सर डॉट फैच ऑल, ओके। अब फैच ऑल लिया है, तो फैच ऑल आपका जो फंक्शन है वो क्या करेगा,
ओके, ये क्या करेगा, जितना भी रिकॉर्ड है रिजल्ट सेट में उसको एक्सेस करेगा, ठीक है, कर्सर के अंदर जितना भी रिकॉर्ड है, जितना भी डेटा है, फेच ऑल क्या करेगा, उसे एक साथ एक्सेस करेगा और उसे डेटा वेरिएबल में जाके स्टोर कर देगा। ओके, नाउ अब हम क्या करते हैं, अब हम एक वेरिएबल लेते हैं काउंट, ओके, और यहाँ पे कर्सर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे हैं रो काउंट, ठीक है। अब कर्सर डॉट रो काउंट क्या है, इट विल टेल यू हाउ मेनी रिकॉर्ड्स रिटर्न बाय एसक्यूएल क्वेरी इन द रिजल्ट सेट, मतलब ये बताएगा कि कर्सर डॉट रो काउंट से आपको पता चलेगा कि जो आपने क्वेरी जो एग्जीक्यूट की थी, ओके फाइन, उससे जो कितने रिकॉर्ड्स एक्सेस हुए कर्सर के अंदर, राइट आपको पता है जो भी क्वेरी एग्जीक्यूट होगी उसका रिजल्ट कहाँ पे जाके स्टोर होता है, कर्सर के अंदर। तो कर्सर डॉट रो काउंट से आपको पता चल जाएगा कि कितनी रोज कर्सर के अंदर जाके स्टोर हुई हैं, राइट, कर्सर ने कितनी रोज को एक्सेस किया है क्वेरी एग्जीक्यूट होने पे, फाइन, और उसको हमने कहाँ स्टोर करवा दिया, हमने उसको काउंट वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर करवा दिया, फाइन, ओके। अब नेक्स्ट हम क्या कर देते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट लेते हैं, प्रिंट टोटल नंबर ऑफ रोज रिट्राइव्ड इन रिजल्ट सेट, राइट, टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी रिट्राइव किए हैं, कितनी एक्सेस हुई हैं, वो हम यहाँ पे हमें किससे मिल जाएगी, काउंट वेरिएबल से मिल जाएगी, फाइन, ओके। देखो कर्सर डॉट फैच ऑल फंक्शन ने क्या किया, कर्सर का डेटा एक्सेस किया और उसे डेटा वेरिएबल में डाल दिया, ठीक है। कर्सर डॉट रो काउंट से हमें ये पता चला कि कितनी रोज हैं, कितनी रोज प्रेजेंट है कर्सर के अंदर, और उसको हमने कहाँ पे स्टोर करा दिया, काउंट में, ठीक है, नंबर ऑफ रोज को। अब यहाँ पे आपने काउंट वेरिएबल को प्रिंट करा दिया और हमें पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी एक्सेस हुई हैं रिजल्ट सेट से, ठीक है। रिजल्ट सेट क्या है, टोटल जो आपका डेटा एक्सेस हुआ है आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ क्वेरी, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब इस डेटा को हम क्या करेंगे, रो वाइज प्रिंट कराएंगे। तो रो वाइज प्रिंट कराने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, आपको लूप लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे फोर रो इन डेटा, अब यहाँ पे आप डायरेक्टली कर्सर नहीं लेके हम क्या ले रहे हैं, डेटा ले रहे हैं, क्योंकि हमने फैच ऑल से पूरा डेटा एक्सेस, फैच ऑल फंक्शन से पूरा कर्सर का डेटा एक्सेस करा के डेटा वेरिएबल के अंदर डाल दिया, ठीक है। अब हम डेटा वेरिएबल से डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, रोज को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप प्रिंट कर दोगे प्रिंट रो, अब देखो लूप चलेगा तो क्या होगा, पहले फर्स्ट रो आएगी डेटा की, ओके, फिर सेकंड राउंड में सेकंड रो आएगी, थर्ड राउंड में थर्ड रो आएगी, ऐसे ही क्या करेगा, रो वाइज डेटा को एक्सेस करता रहेगा, ओके। लास्ट आपको क्या करना है, अपना कनेक्शन क्लोज करना है MySQL के साथ, मतलब पाइथन का कनेक्शन आप क्लोज कर दोगे, ओके। तो अब इसको हम रन करते हैं, देखो ये हमारा आ गया है रिजल्ट, एक साथ इसने पूरा डेटा शो कर दिया है, फाइन, ओके। अब मैं देखो यहाँ पे भी आपको दिखा देती हूँ, MyDB डेटाबेस, यहाँ पे हम कमांड लिखेंगे शो डेटा बेसिस, तो यहाँ पे आपका MyDB है, ठीक है, मैंने लिख दिया यूज MyDB, फाइन। अब इसके हम टेबल देख लेते हैं, शो टेबल्स, इसमें एक ही टेबल है स्टूडेंट, ठीक है, सिलेक्ट स्टार From student, okay, देखो इसमें फोर रिकॉर्ड्स है, रोल नंबर, नेम, एज, सिटी एंड मार्क्स, राइट, रोहन, राधिका, पूजा एंड अर्जुन, सेम रिकॉर्ड आपके पास आ गया इन द फॉर्म ऑफ टपल्स, पहले, ओके, फर्स्ट, जब आपका फर्स्ट राउंड हुआ है लूप का तो उसमें आपका फर्स्ट रिकॉर्ड आया है इन द फॉर्म ऑफ टपल, देन सेकेंड रिकॉर्ड, देन थर्ड रिकॉर्ड, लाइक दिस, राइट। तो अभी हमने क्या देखा, फैच ऑल मैथड देखा यहाँ पे, ओके। अब हम क्या करेंगे, सेकंड मेथड का यूज़ करेंगे, किसका, फेच मैनी का, ओके, नाउ तो मैं यहाँ पे कमेंट दे देती हूँ, यूज़ ऑफ
fetch many method. ओके अब फेच मैनी क्या करता है, फेच मैनी के अंदर आप पैरामीटर पास करते हो. आई विल शो यू, देखो एफ ई टी सी एच फेच मैनी फंक्शन के अंदर आप क्या करते हो, एन पैरामीटर पास करते हो. एन पैरामीटर का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज, मतलब आप कितनी रोज फेच करना चाहते हो रिजल्ट सेट से, कितनी रोज आप निकालना चाहते हो. ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको लिख भी देती हूँ, फेच मैनी विल रिटर्न the n number of rows from the result set. ठीक है, अब इसमें आपका जो fetch all था उसमें क्या था, पूरा जो भी data present था टेबल के अंदर वो पूरा एज इट इज़ आ गया, राइट. बट फेच मैनी में आप क्या कर सकते हो, आप डिफाइन कर सकते हो कि कितनी रोज आपको चाहिए. ठीक है, एन नंबर ऑफ रोज फ्रॉम द रिजल्ट सेट, और कैसे आएंगी रोज, इन द फॉर्म ऑफ टपल, राइट. अब देखो, अब क्या करते हैं, हम ऊपर से पूरा वैसे पूरा भी ले सकते हैं क्योंकि इसके अंदर एज इट इज़ आएगा, सिर्फ फंक्शन चेंज होगा. तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ कंप्लीट, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, राइट. सी, अब यहाँ पे मैंने फेच ऑल किया था, राइट. ओके, सिर्फ हमें क्या करना है, यहाँ पे चेंज करना है, फेच मैनी करना है इसकी जगह पे, और आपको बताना है कि आपको रिकॉर्ड्स की कितनी रोज चाहिए. मुझे रिकॉर्ड्स की 2 रोज चाहिए, लेट अस सपोज, राइट, मुझे फर्स्ट 2 रोज चाहिए, फाइन. तो क्या होगा, फेच मैनी क्या करेगा, फेच मैनी फंक्शन आपके रिकॉर्ड्स की 2 रोज को एक्सेस करेगा, राइट. इसको अब हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे. देखो, अब इसने क्या किया है, आपके रिजल्ट सेट की 2 रोज को, टोटल नंबर ऑफ रोज रिट्रीव्ड इन रिजल्ट सेट इक्वल्स टू 2, और आपकी फर्स्ट 2 जो आपके रोज हैं उनको एज अ टपल इसने क्या कर दिया है, फेच मैनी फंक्शन ने शो कर दिया है. तो फेच मैनी फंक्शन का क्या यूज़ है, आप इसमें डिफाइन कर सकते हो कि आपको कितनी रोज करनी है एक्सेस, ठीक है. फर्स्ट हमारा था फेच ऑल, सेकेंड हमारा है फेच मैनी, ओके. थर्ड आपका क्या है, फेच वन, ओके. फेच वन में क्या है, आप 1 by 1 रिकॉर्ड को एक्सेस करोगे, एक बार में एक ही रिकॉर्ड एक्सेस होगा, ओके. तो हम यहाँ पे कमेंट अपना यूज कर लेते हैं, यूज ऑफ फेच वन, फेच वन मेथड, ओके. और इसका यूज क्या है, फेच वन का, फेच वन मैथड या फेच वन फंक्शन क्या करता है, विल रिटर्न ओनली 1 रो फ्रॉम द रिजल्ट सेट, रिजल्ट सेट इन द फॉर्म ऑफ टपल. ओके, फेच वन क्या करेगा, एक बार में एक ही रिकॉर्ड को फेच करेगा, फाइन. ओके, अब हम क्या करते हैं, कंट्रोल वी कर देते हैं, एज इट इज हमारा फंक्शन आ गया है, फाइन. अब देखो, यहाँ पे जो मेरा यहाँ पर है, यहाँ पे फेच ऑल की जगह मैं क्या कर दूंगी, फेच वन, फेच वन कर दिया. तो फर्स्ट टाइम क्या होगा, आपकी फर्स्ट रो क्या होगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी, मतलब फर्स्ट रो फेच हो जाएगी. फेच होके कहाँ चली जाएगी, डेटा वेरिएबल के अंदर चली जाएगी, राइट. कर्सर से फर्स्ट रो फेच होकर डेटा वेरिएबल में चली जाएगी इन द फॉर्म ऑफ टपल, फाइन. ओके, अब आपने यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रोज रिट्राइव काउंट तक दे दिया. अब देखो, यहाँ पे एक बार में एक रो ही फेच हो रही है, तो हमें लूप की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं, लूप हटा दो, ओके. क्योंकि एक बार में एक ही रो क्या हो रही है, फेच हो रही है, ठीक है. आप सिंपल आप क्या कर दोगे, प्रिंट डेटा, ओके. क्योंकि डेटा के अंदर सिर्फ एक ही रो है, फाइन. अब देखो, जब क्या होता है, जब 1 रो फेच होती है तो उसके बाद कंट्रोल आपका कहाँ चला जाता है, और यू कैन से आपका पॉइंटर कहाँ चला जाता है, इट मूव्स टू द नेक्स्ट रिकॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड सेट, ठीक है.
फर्स्ट रो आपकी एक्सेस हो गई तो आपका पॉइंटर उसके बाद कहाँ चला जाएगा, सेकंड रिकॉर्ड के पास, स्टार्टिंग ऑफ द सेकंड रिकॉर्ड चला जाएगा, राइट. तो अब जब सेकंड टाइम अगर इसको एग्जीक्यूट करते हो तो आपका क्या रिकॉर्ड, आपका क्या फैच होगा, आपकी सेकंड रो फैच होगी. फाइन, मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ. हमने प्रिंट डेटा कर दिया है, राइट. यहाँ पे लूप लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है. ओके, नाउ अब हम क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट ले लेते हैं प्रिंट, और मैं यहाँ पे लूँगी स्लैश एन जिससे लाइन ब्रेक आ जाए दो प्रिंट स्टेटमेंट के बीच में. अगेन फैचिंग वन रिकॉर्ड, ठीक है. फिर से एक और रिकॉर्ड फैच करते हैं. ओके, देन सेम हमें स्टेटमेंट लेनी है यहाँ से, फैच वन टोटल नंबर ऑफ दिस एज इट इज, कंट्रोल सी एंड देयर कंट्रोल वी. ओके, डेटा आपने यहाँ पे फैच वन किया तो अब आपका सेकंड रिकॉर्ड इस स्टेटमेंट में आपका सेकंड रिकॉर्ड फैच होगा. ओके, क्योंकि आपका पॉइंटर कहाँ चला गया था, फर्स्ट रिकॉर्ड फैच करने के बाद वो सेकंड रिकॉर्ड के पास चला गया था, ठीक है, पॉइंटर. ओके, तो अब आप इसको दोबारा से आप क्या करोगे, यूज़ फैच वन फंक्शन को. ओके, एंड प्रिंट कराओगे डेटा तो आपकी सेकेंड रो प्रिंट हो जाएगी. फाइन, और अगर आप फिर से चाहते हो तो आप फिर से क्या कर सकते हो, अगेन कंट्रोल सी राइट कंट्रोल वी, तो इसमें क्या होगा, आपका थर्ड रिकॉर्ड फैच होगा, राइट. ओके, नाउ आई विल एग्जीक्यूट दिस रन. अब देखो, जब आपने फर्स्ट टाइम फैच वन को यूज किया, देखो यहां पर आपने फर्स्ट टाइम फैच वन को यूज किया तो फैच वन फंक्शन ने क्या किया, फर्स्ट रिकॉर्ड को फैच करके, कर्सर से फर्स्ट रिकॉर्ड को फैच करके डेटा वेरिएबल में स्टोर करा दिया, ठीक है. आपने क्या किया, रो काउंट की हेल्प से ये पता लगाया कि कितनी रोज को फैच किया, तो देखो वन आ गया आपका, वन रो फैच हुई है, ठीक है. और आपने अपने डेटा को प्रिंट करा दिया, जो फर्स्ट रो थी आपने उसको प्रिंट करा दिया. नेक्स्ट आपने क्या लिखा, अगेन फैचिंग वन रिकॉर्ड, फिर से आप एक रिकॉर्ड और फैच कर रहे हो. ओके, फिर आपने फैच वन फंक्शन का यूज़ किया यहाँ पर. ओके, एंड उसको डेटा में स्टोर करा दिया, एंड देन आपने उसको प्रिंट करा दिया. तो देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रोज रिट्रीव्ड, अब रिजल्ट सेट से कितने आप एक्सेस कर चुके हो, टू. ओके, आपने टू रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर लिया है, फैच कर लिया है, और आपका यहाँ पे टू किस लिए, क्योंकि एक बार आप पहले कर चुके हो, अब नाउ दिस इज सेकेंड टाइम. फाइन, अब आपका सेकेंड रिकॉर्ड क्या हो गया है, यहाँ पे प्रिंट हो गया है. अगेन आपने वही किया. ओके, मैंने देखो थ्री टाइम्स यूज़ किया यहाँ पर, यहाँ पे फैच वन, देन हियर इट इज़ फैच वन. ओके, देन सेकेंड टाइम फैच वन, एंड देन थर्ड टाइम फैच वन, लाइक दिस. ओके, तो यहाँ पे देखो अगेन फैचिंग वन रिकॉर्ड, तो आपका पॉइंटर कहाँ चला गया, थर्ड रिकॉर्ड के पास चला गया. ओके, तो आपका पॉइंटर क्या होता है, रिकॉर्ड वन रिकॉर्ड फैच करने के बाद नेक्स्ट रिकॉर्ड के पास चला जाता है, और अगर आप दोबारा फैच वन को यूज़ करते हो तो सेकंड रिकॉर्ड को एक्सेस करेगा. ओके, देन अगर आप दोबारा फिर से यूज़ करते हो थर्ड रिकॉर्ड को, लाइक दिस. ओके, तो यहाँ पे इसने क्या किया, थर्ड रिकॉर्ड को एक्सेस कर लिया. फाइन, तो यहाँ पे हमने थ्री मेथड्स को देखा, फैच ऑल, फैच मैनी एंड फैच वन, जिसकी हेल्प से आप डेटा को रिट्राइव कर सकते हो. ओके, फ्रॉम MySQL टू पाइथन. ओके, सो वी कैन यूज पैरामीटराइज क्वेरीज इन पाइथन MySQL कनेक्टिविटी. आप पाइथन MySQL कनेक्टिविटी में पैरामीटराइज क्वेरीज को कैसे यूज कर सकते हो. ओके, पैरामीटराइज क्वेरी इज अ क्वेरी इन विच प्लेस होल्डर्स आर यूज फॉर पैरामीटर्स. अब पैरामीटराइज क्वेरी क्या होती है, वो कमांड्स होती हैं, वो SQL की क्वेरीज होती हैं, जिसके अंदर आप क्या करते हो, पैरामीटर्स पास करते हो, कुछ वैल्यूज को पास करते हो. ओके, अब यहाँ पे क्या है, अब पैरामीटराइज क्वेरी इज अ क्वेरी इन विच प्लेस होल्डर्स are used. अब यहाँ पे पैरामीटर्स को डिफाइन करने के लिए डायरेक्टली आप क्या कर रहे हो, आप डायरेक्टली वैल्यूज को नहीं दे रहे हो, आप कुछ प्लेस होल्डर्स दे रहे हो, राइट. ओके, तो अब आप कैसे उसको इंप्लीमेंट करोगे, टू फॉर्म क्वेरी स्ट्रिंग बेस्ड ऑन सम पैरामीटर्स वी हैव टू मेथड्स. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास पैरामीटराइज क्वेरीज को इंप्लीमेंट करने के लिए दो मेथड्स हैं, एक है आपका ओल्ड स्टाइल एंड सेकेंड है आपका न्यू स्टाइल. ओके, ओल्ड स्टाइल क्या है, स्टाइल टेम्पलेट्स विद परसेंटेज फॉर्मेटिंग.
राइट आप इसके अंदर कैसे फॉर्मेट करोगे अपनी क्वेरी को, कैसे आप उसको राइट करोगे बाय यूजिंग द, आप कैसे प्लेस होल्डर्स को स्पेसिफाई करोगे बाय यूजिंग द परसेंटेज, राइट। एंड न्यू स्टाइल में क्या है, स्ट्रिंग टेम्पलेट विद कर्ली ब्रैकेट फॉर्मेटिंग। और जो न्यू स्टाइल है उसके अंदर आप जो भी क्वेरी लिखोगे उसके अंदर आप जो आपकी क्वेरीज हैं, जो आपके पैरामीटर्स हैं, राइट, उसको आप कैसे डिफाइन करोगे बाय यूजिंग द कर्ली ब्रैकेट्स। ओके ओके, अब हम इसको वन बाय वन देखते हैं कि ओल्ड स्टाइल क्या है, न्यू स्टाइल क्या है, देन वी विल डू इट प्रैक्टिकली, राइट। नाउ ओल्ड स्टाइल, स्टाइल टेम्पलेट विद द परसेंटेज फॉर्मेटिंग। इन ओल्ड स्टाइल ऑफ क्रिएटिंग एसक्यूएल क्वेरीज स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग यूजेस दिस जर्नल फॉर्म। ओके, तो जो आपका जो ओल्ड स्टाइल है उसमें क्या है, फॉर्मेटिंग कैसे होती है, एफ परसेंटेज वी, राइट। तो एफ क्या है, एफ इज अ टेम्पलेट स्ट्रिंग। एफ क्या है, आपकी जो कंप्लीट कमांड जो आप देते हो, राइट, दिस इज एफ। ओके, जैसे यहाँ पे आपने दिया है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स शुड बी ग्रेटर देन परसेंटेज एंड प्लेस होल्डर, राइट, ये आपका क्या है, प्लेस होल्डर। आपने यहाँ पे डायरेक्टली मार्क्स को स्पेसिफाई नहीं किया है, पैरामीटर को स्पेसिफाई नहीं किया है। ओके, तो यहाँ पे F क्या है, आपका स्ट्रिंग है, एंड V क्या है, V स्पेसिफाइज द वैल्यू और वैल्यूज टू बी फॉर्मेटेड। और V क्या स्पेसिफाई करेगा, वैल्यूज को स्पेसिफाई करेगा जो आप इन प्लेस होल्डर्स में क्या देना चाहते हो, राइट। ओके, तो यहाँ पे ओल्ड स्टाइल में कैसे फॉर्मेटिंग करोगे आप, F, F क्या है, आपका स्ट्रिंग, आपका कमांड, ओके, परसेंटेज, एंड V, V क्या है, आपकी वैल्यूज जो आप पास करना चाहते हो, राइट। अब यहाँ पे देखो, वी वी जो आपका वैल्यू है वो क्या है, मस्ट बी अ टपल, वो टपल होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने सिंगल एलिमेंट दिया तो उसके बाद कॉमा लगाया है क्योंकि ये क्या है हमारा, हम यहाँ पे क्या स्पेसिफाई करें, टपल। ओके, तो दिस इज आर ओल्ड स्टाइल, जहाँ पे आप किसकी हेल्प से फॉर्मेटिंग कर रहे हो, आप परसेंटेज की हेल्प से फॉर्मेटिंग कर रहे हो, राइट। देन वी हैव न्यू स्टाइल, ओके, स्ट्रिंग टेम्पलेट विथ कर्ली ब्रैकेट फॉर्मेटिंग। द न्यू स्टाइल ऑफ क्रिएटिंग एसक्यूएल क्वेरी स्ट्रिंग इन्वॉल्व द यूज ऑफ डॉट फॉर्मेट मेथड। ओके, तो जो न्यू स्टाइल है वो किसका यूज करता है, डॉट फॉर्मेट मेथड का यूज करता है। यहाँ पे एग्जाम्पल आप देखेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स ग्रेटर देन कर्ली ब्रैकेट्स यहाँ पे दिया हुआ है, एंड सेक्शन अगेन कर्ली ब्रैकेट्स। तो जो फर्स्ट कर्ली ब्रैकेट दिया है वहाँ पे क्या है, कौन सा पैरामीटर आएगा, आपका मार्क्स। और जो सेकेंड आपका कर्ली ब्रैकेट आपने दिया है विद इन कोट्स, राइट, उसमें क्या आएगा, आपका सेक्शन आएगा, राइट। देन आपने डॉट फॉर्मेट, फॉर्मेट फंक्शन में आपने वैल्यूज दी है, 80 आपका एज अ मार्क्स जाएगा, एज अ मार्क्स पास होएगा, एंड C आपका एज अ सेक्शन पास होएगा, राइट। अब यहां पे देखो, प्लेस होल्डर एनक्लोज्ड इन कोट्स फॉर स्ट्रिंग वैल्यूज, और जहां पे भी स्ट्रिंग वैल्यूज है वहां पे आपको कर्ली ब्रैकेट्स को भी एनक्लोज करना है, किससे, क्वोटेशन मार्क्स से, राइट, सिंगल और डबल, वॉट एवर। ओके, द अबव क्वेरी स्ट्रिंग एसटी स्टोर्स, जो अबव जो ये आपकी क्वेरी है वो क्या स्टोर करती है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स शुड बी ग्रेटर देन 80 एंड सेक्शन शुड बी सी। ओके, तो ये हमारा क्या है, न्यू स्टाइल है, फाइन। ओके, नाउ वी विल डू इट प्रैक्टिकली। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना प्रोग्राम लिखेंगे, इम्पोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर। ओके, एस इसका एलियस नेम ले लेते हैं हम लोग, एलियस क्या है, इसका निक नेम है, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इम्पोर्ट करना है MySQL डॉट कनेक्टर पैकेज को, राइट। ओके, अगर आप इस पैकेज को इम्पोर्ट नहीं करेंगे तो आप कनेक्टिविटी नहीं कर पाएंगे पाइथन और एसक्यूएल के बीच में, फाइन। इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देती हूँ यहाँ से, आई थिंक नाउ इट्स क्लियरली विजिबल। ओके, नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, आपको कनेक्टिविटी क्रिएट करनी है एसक्यूएल और पाइथन के बीच में, तो हम उसको क्रिएट करते हैं। यहाँ पे माइकॉन क्या लिया है, मैंने एक वेरिएबल लिया है, ओके, एसक्यूएल, तो ये हमने एलियस नेम लिया था एसक्यूएल टर, राइट। तो अब आपको ये कंप्लीट यूज नहीं करना होगा, MySQL डॉट कनेक्ट है, इसके प्लेस पे आप इसको यूज कर सकते हो, इसका एलियस नेम, फाइन, डॉट कनेक्ट। तो हम क्या कर रहे हैं, MySQL डॉट कनेक्टर पैकेज के कनेक्ट फंक्शन का यूज कर रहे हैं कनेक्टिविटी क्रिएट करने के लिए, फाइन। तो ये इसके अंदर आप चार पैरामीटर्स पास करोगे, सबसे पहले आपका आएगा होस्ट, कि आप किस होस्ट पे वर्क कर रहे हैं, तो हम लोकल होस्ट पे वर्क कर रहे हैं, फाइन। नेक्स्ट आपका आता है यूजर,
यूज़र में आप किसका यूज़र दोगे, यहाँ पे आपका आएगा MySQL का यूज़र। जब आप MySQL इंस्टॉल करते हो तो आप एज अ रूट यूज़र्स में देते हो, ठीक है। देन पासवर्ड, तो यहाँ पे क्या देना है आपको, MySQL का पासवर्ड देना है, फाइन। एंड कौन से डेटाबेस के साथ आप कनेक्टिविटी कर रहे हो वो डेटाबेस आपको देना है। जैसे यहाँ पे मैं कर रही हूँ स्कूल डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी, फाइन। तो मैंने यहाँ पे दे दिया स्कूल, राइट, स्कूल डेटाबेस मैंने यहाँ पे दे दिया है, मैंने स्कूल डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी की है, फाइन। अब देखो, अब जो यहाँ पे कनेक्टिविटी क्रिएट हुई है वो कहाँ पे जाके स्टोर होगी, वो माइकॉन वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर होगी। तो यहाँ पे जो हमारा माइकॉन वेरिएबल है वो क्या बन जाएगा, कनेक्शन ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ओके। एंड इट विल कंट्रोल द कनेक्टिविटी बिटवीन द पाइथन एंड एसक्यूएल, ओके। अब देखो, अगर आपको पता करना है कि आपका कनेक्शन क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, इफ माइकॉन डॉट इज कनेक्टेड, इस कनेक्टेड फंक्शन का यूज करेंगे। अगर ये फंक्शन ट्रू है तो कनेक्टिविटी हो गई है, और अगर ये फंक्शन फॉल्स है तो क्या हुआ है, आपका आ जाएगा, प्रिंट हो जाएगा एरर इन कनेक्टिविटी, ओके, एरर इन कनेक्टिविटी, फाइन। अब देखो, आपने क्या किया है, कनेक्शन क्रिएट कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप है हमारा, हमें कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए आप क्या करोगे, यहां पे मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ, मान लो कर ले लिया मैंने एक वेरिएबल, या कर्सर पूरा ले लो, मैंने नेम ले लिया कर्सर, ठीक है। और आप कर्सर ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करोगे, आप यहाँ पर कनेक्शन ऑब्जेक्ट, कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, माइकॉन डॉट कर्सर फंक्शन का यूज़ करोगे। कर्सर फंक्शन का यूज़ किया आपने, कनेक्शन ऑब्जेक्ट डॉट कर्सर फंक्शन, तो ये क्या क्रिएट करेगा, आपका कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। अब कर्सर ऑब्जेक्ट का क्या फंक्शन होता है, कर्सर ऑब्जेक्ट आप जो डेटा एक्सेस करोगे, ठीक है, MySQL से, ओके, वो डेटा कर्सर ऑब्जेक्ट स्टोर करेगा, ओके, इन द फॉर्म ऑफ टपल्स, फाइन। अब देखो, यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, अपनी क्वेरी एग्जीक्यूट करती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्वेरी ली, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो स्टूडेंट क्या है, मेरी टेबल है, कौन से डेटाबेस के अंदर, स्कूल डेटाबेस के अंदर, फाइन। तो मैं यहाँ पे इसको क्या कर रही हूँ, एग्जीक्यूट कर रही हूँ, ओके, क्वेरी को एग्जीक्यूट किया, सॉरी, क्वेरी को अभी मैंने सिर्फ लिखा है, अब मेरे को क्या करना है, क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूट करने के लिए मैं क्या करूँगी, कर्सर, जो मेरा कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, फाइन, ये क्या है, मेरा कर्सर ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट हुआ है, ओके, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट फंक्शन का हम यूज़ करेंगे, एग्जीक्यूट कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, और आप इसके अंदर पास कर दोगे क्वेरी, फाइन। इसके अंदर आपने पास कर दी क्वेरी, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, उसके अंदर आपने पास कर दिया क्वेरी को, फाइन। अब जो इस क्वेरी से जो भी डेटा फेच होगा, राइट, वो कहाँ पे जाके स्टोर होगा, वो कर्सर ऑब्जेक्ट के अंदर जाके स्टोर होगा, फाइन। अब आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे वेरिएबल ले लिया डेटा कर्सर डॉट फेच ऑल, फेच ऑल फंक्शन क्या करेगा, फेच ऑल फंक्शन कर्सर के अंदर जितना भी डेटा है उसको एक ही वन गो में, एक ही बार में फेच करके कहाँ पे स्टोर कर देगा, डेटा वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा, फाइन। तो हमने क्या किया, कर्सर का डेटा फेच करके डेटा वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दिया। अब हमें वो डेटा चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लूप का यूज़ करेंगे, फोर आई, या फिर आप फोर रो भी लिख सकते हो, फोर रो इन डेटा। अब ये क्या करेगा, ये वन बाय वन इन द फॉर्म ऑफ टपल्स डेटा को एक्सेस करेगा, राइट, प्रिंट आई, ओके। नाउ लास्ट में आपको क्या करना है, कनेक्शन ऑब्जेक्ट को क्लोज करना है, ठीक है, जो पाइथन MySQL का कनेक्शन है उसको आप क्या करोगे, क्लोज करोगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं, ओहो यहाँ पे आई दे दिया मैंने, रो करना था, ओके, आपका डेटा आ गया, फाइन, ओके, ये हमारा डेटा आ गया है। तो ये तो देखो हमारा सिंपल मेथड था, इसके अंदर हमने क्या किया, पैरामीटराइज्ड क्वेरीज को यूज नहीं किया,
फाइन, बिल्कुल सिंपल मेथड था। अब इसी सिंपल मेथड में अगर आप कंडीशन लगाओ तो आप कंडीशन भी लगा सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ओके वेयर मार्क्स लेते हैं एम ए आर के एस मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80, राइट। मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी, फाइन। अगर मैं इसको रन करती हूँ तो देखो आपके पास डेटा आ गया है जहाँ पे मार्क्स क्या है 80 से अबव है, 91, 98, 81, फाइन। देखो मैं आपको ये जो टेबल है वो यहाँ पे दिखा देती हूँ, जैसे यहाँ पे मेरा मैंने क्या है स्कूल डेटा बेस से कनेक्ट किया है, तो मैं दिखाती हूँ शो डेटा बेसिस, डेटा बेसिस माई स्कूल में, ठीक है। ये आपका देखो यहाँ पे स्कूल डेटा बेस है, हम स्कूल डेटा बेस को यूज करते हैं, यूज स्कूल, ओके शो टेबल्स, फाइन। इसमें स्टूडेंट टेबल है और यहाँ पे हम करेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ओके। तो ये आपका देखो डेटा है, रोल नंबर नेम मार्क्स सेक्शन एंड प्रोजेक्ट, ठीक है। रोल नंबर दिस नेम रोहन अमित सिमरन, तो यही सेम डेटा आपने अपने कहाँ एक्सेस किया हुआ है, यहाँ पे एक्सेस किया हुआ है, यू कैन लुक हियर, देखो यहाँ पे सेम डेटा आपका है, फाइन। अगर मैं यहाँ पे ये क्वेरी को हटा देती हूँ, ओनली सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस कर देती हूँ, ठीक है, एंड आई विल रन दिस। देखो सेम डेटा आया हुआ इन द फॉर्म ऑफ टपल, जो आपका क्या है यहाँ पर टेबल है, राइट, ओके। सी अभी आपने क्या किया, सिंपल जो आप यहाँ पे हमने पैरामीटराइज क्वेरीज का यूज नहीं किया, सिंपल जैसे हम डेटा को एक्सेस करते हैं वो किया, राइट। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपनी क्वेरी पैरामीटराइज क्वेरी के ओल्ड स्टाइल को यूज करेंगे, ठीक है, कि आप कैसे ओल्ड स्टाइल में अपनी क्वेरीज को दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी क्वेरी क्या है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, राइट, ओके वेयर वेयर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो यहाँ पे मैं कौन सा स्टाइल यूज करी, ओल्ड स्टाइल, तो यहाँ पे मैं परसेंटेज एंड एस, एस क्या है मेरा प्लेस होल्डर है, ठीक है, परसेंटेज एस, राइट। उसके बाद मैं क्या करूंगी, परसेंट देख परसेंट लगा के एज अ टपल अपनी वैल्यू को पास करूंगी, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे मेरे को ग्रेटर देन 80 लिखना था ना, तो मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन 80 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ओके वेयर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू परसेंट एस, तो यहाँ पे जो परसेंट एस है इसके प्लेस पे क्या आएगा, हमारा 80 आएगा, ठीक है, ओके। अब आप क्या करोगे, इसको एग्जीक्यूट करोगे, सी देखो आपका सेम रिजल्ट आया है यहाँ पर, ठीक है। जो भी आपके जो मार्क्स थे 80 से अबव थे उनका रिजल्ट आपके पास आ गया है, फाइन, ओके। अब देखो मान लो मैं इसके साथ क्या दे देती हूँ, वेयर मार्क्स ग्रेटर देन यहाँ पे दिया हमने परसेंट एस, और एक और हम ले लेते हैं, और यहाँ पे आपने दिया एम एंड एस, ठीक है, एम एंड एस, यहाँ पे जो भी वैल्यू एम की पास होगी यूजर इनपुट करेगा वो, और सेक्शन की जो पास होगी वो यहाँ पे आपकी आ जाएंगी, ठीक है। अब नाउ वी विल रन दिस, देखो सबसे पहले मार्क्स पूछ रहा है तो हम 80 कर देते हैं, 80 एंटर। अब सेक्शन पूछ रहा है, सेक्शन मैंने बी कर दिया, शिफ्ट एंटर, तो देखो आपका रिजल्ट यहाँ पे आ गया है, जहाँ पे क्या है मार्क्स अबव देन 80 है और सेक्शन क्या है बी है, उसका रिजल्ट आपके पास आ गया है, फाइन। तो ये क्या था, हमारा ओल्ड स्टाइल था, फाइन। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे न्यू स्टाइल, ओके। तो न्यू स्टाइल के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर सबसे पहले देखो हमें क्या करना है, सिर्फ प्लेस होल्डर्स को चेंज करना है, ठीक है। हमारा हम यहाँ पे यूजर से वैल्यूज एंटर करा रहे हैं, अब यहाँ पे जो क्वेरी है सिर्फ इसके अंदर थोड़ा सा चेंज होगा, अमेंडमेंट होगा। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स शुड बी ग्रेटर देन, यहाँ पे परसेंटेज एस की जगह हम क्या लेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स लेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट्स लेंगे, वेयर मार्क्स शुड बी ग्रेटर देन दिस एंड सेक्शन। अब यहाँ पे सेक्शन भी आप इसमें लोगे, सेक्शन हमारा स्ट्रिंग है तो वो कर्ली ब्रैकेट किस में आएंगे, आपके क्वोटेशन मार्क के अंदर आएंगे, सिंगल या डबल, ठीक है, ओके। एंड इसके बाद आप क्या करोगे, डॉट फॉर्मेट, फॉर्मेट फंक्शन का यूज होगा, एम एस, समझ आया। देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स
should be greater than equals to curly bracket दिया है and section ओके विद इन सिंगल कोर्स आपने कर्ली ब्रैकेट में दिया है डॉट फॉर्मेट और फॉर्मेट के अंदर आपने पास कर दी वैल्यू एम की एंड एस की ओके एम एंड एस की वैल्यू आपने पास कर दी. इसको हम रन करेंगे. अब देखो ये आपसे मार्क्स पूछ रहा है, मार्क्स आप कर दो. मान लो मैं 70 कर देती हूँ इस बार, ठीक है. एंटर. सेक्शन मैंने कर दिया ए. अब पता नहीं ए में है कि नहीं है. शिफ्ट एंटर आ गया. अब देन 70 कर दिया था तो 71.2 आ गया और ए आ गया, ठीक है. ये हमारा ये आ गया डेटा. तो ये आपका क्या है, न्यू स्टाइल. फाइन. इसमें आपने यूजर से एंटर कराई है वैल्यू, ओके. अब मान लो आप यूजर से एंटर नहीं करा रहे हो, सिंपली आप खुद ही पास कर रहे हो, राइट. तो मैं ये क्या करती हूँ, इसको बना देती हूँ कमेंट और इसको भी मैं बना देती हूँ कमेंट. फाइन. सिंपली मेरे को क्वेरी एग्जीक्यूट करानी है. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स शुड बी ग्रेटर देन दिस एंड सेक्शन शुड बी दिस, ओके. कर्ली ब्रैकेट्स डॉट फॉर्मेट और फॉर्मेट के अंदर मैं वैल्यूज़ को पास कर देती हूँ. यहाँ पे मैंने वैल्यूज पास कर दी 70, मार्क्स शुड बी ग्रेटर देन 70 एंड सेक्शन शुड बी ए, ओके. और आपका सेक्शन क्या हो, ए हो. फाइन. इसको आप कर दो एग्जीक्यूट. तो आपका रिजल्ट आ गया. देखो सेम रिजल्ट आया, आपने इसको रन किया तो आपका सेम रिजल्ट यहाँ पे आ गया है. फाइन. तो हियर वी हैव डन बोथ द ओल्ड स्टाइल एंड न्यू स्टाइल ऑफ पैरामीटराइज्ड क्वेरी. इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.